ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने शादियों के जश्न तो खूब देखे होंगे और कुछ वो मामले भी आपके जहन में होंगे जब दहेज की मांग के विरोध में लड़की ने ही दरवाजे पर आई बारात को लौटा दिया। लेकिन आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताएंगे उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस बार किसी दुल्हन ने बारात नहीं लौटाई, बल्कि इस बार शादी के एन वक्त पहले दूल्हा ही गायब हो गया। जी हाँ, अलवर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां शादी की तैयारियां हो चुकी थी लेकिन बारात से पहले ही दूल्हा गायब हो गया और फिर मामला पहुंच गया पुलिस के पास। देखिए, ये तस्वीर है अलवर के एनीबी पुलिस थाने, जहां मौजूद लोगों की जुबान पर केवल एक ही चर्चा थी कि आखिर यशवंत कहां चला गया। अब ये लोग पुलिस से यही गुजारिश करते नजर आए कि वो यशवंत की तलाश करें। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये यशवंत है कौन। दरअसल ये मामला जुड़ा है अलवर के एनीबी थाना इलाके की दुर्गा कॉलोनी से। आपको बता दें कि बुधवार को यशवंत की शादी होने वाली थी और 12 नवंबर को लग्न की रस्म भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस रस्म के बाद से दूल्हा यशवंत गायब हो गया, जिसकी रिपोर्ट लड़के पक्ष वालों ने गुमशुदगी की दर्ज कराई है। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। होने वाले दूल्हे के गायब होने के बाद भी लड़की पक्ष की भौंहें तन गई है, क्योंकि उनकी ओर से शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और उधर लड़की अपने घर वालों को मरने की भी धमकी देने लगी है। इस मामले में लड़की के भाई का आरोप है कि लग्न में 2100 रुपए देने के बाद से लड़का पक्ष नाराज था और इनकी ओर से गाड़ी और 10 लाख की डिमांड की जा रही थी। बात एक लगन थी, लगन चढ़ा दिया, लगन में 21 रुपए दिए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया तो 21 रुपए चढ़ा दिया, गाली गलौज करी। तुम इतनी हैसियत जो तुम पूरा आदमी नहीं आए, दो आदमी आए हो और तुमने इतना कम पैसे डाले हैं। उसके बाद हम आ गए रात को ही, सुबह हुआ लड़का चला गया उसी दिन दूसरे। हाँ, वो आज उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम आज फिर हम पंचायत लेके यहाँ पर आए, देखा था कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर और हमारे घर पर सारा प्रोग्राम सेट कर लिया हमने। आज की शादी? हाँ, आज की शादी थी और कुछ नहीं है। तो आपको कब सूचना लगी कि बारात नहीं लेके आ रहे? आज सुबह लगी, हम पंचायत लेके आए ना, उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर हमने करा दी। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है घर पे, लड़की मरने की बोलती है और इन्होंने क्या, इन्होंने 10 लाख रुपए और गाड़ी मांगी है। लड़की पक्ष का आरोप है कि उनकी सारी तैयारियां पूरी थी और इसकी सूचना उन्हें आज दी गई, जिसके चलते उनकी सारी तैयारियां बेकार हो गई। वहीं उनके साथ छलावा किया जा रहा है, क्योंकि लग्न में 2100 रुपए देने के बाद से ही उन्होंने झगड़ा शुरू किया था और लगातार गाड़ी और 10 लाख की डिमांड की जा रही थी। आपको बता दें कि इस मामले में लड़का पक्ष पर लगाए गए आरोपों को कुछ लोगों ने खारिज किया है, वहीं गायब हुए दूल्हे को लेकर पंचायत भी कर ली गई। मेरे को तो क्या है कि कल पार्षद ने 10:30 बजे से फोन किया था कि ऐसे ऐसे भाई हरिकिशन एडमिट है और उसका लड़का सुबह से गायब है। बस फिर उसके बाद में हम आए और आ करके हमने पंचायत तो आज हुई थी सर, इसी के बात के लेकर के भाई लड़का तुमने वो सोच रहे लड़की पक्ष के। अरे सुनो सुनो, इनसे पूछ लो सर, ये उनके भाई लड़की पक्ष वाले आए थे यहाँ और भाई और भी मतलब यहाँ से इकट्ठे हो गए थे सानिया हॉस्पिटल पर। फिर इसने उन्हें कहा भाई घर चलो लड़के वाले के, बात क्या निकल गया?
भाई लड़के की, भाई लड़का गुम हो गया ना, उसकी बात आई थी। तो लड़का अभी तक आया नहीं। इनको क्या डाउट हुआ? इनको डाउट ये था कि भाई कहीं लड़का इन्होंने तो गुम नहीं कर दिया है कोई लेने देने के चक्कर में। तो वहाँ ना कोई तय नहीं होती, ना किसी की मांग थी। अब मामला पुलिस के पास है और पुलिस यशवंत की तलाश में है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शादी के एन वक्त पहले रेलवे में काम करने वाला यशवंत कहां गायब हो गया। वहीं लड़का पक्ष का आरोप ये कि लग्न के बाद से गायब हुए लड़के को लेकर उन्हें कोई खबर नहीं दी गई। बहरहाल अब शादी और बाराती तो नहीं, फिलहाल पुलिस इस पहली को सुलझाने में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ढाई साल पहले पुलिस कस्टडी से भागे कुख्यात बदमाश बहादुर सिंह उर्फ पहलवान को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए के इस इनामी बदमाश को कालवार थाना इलाके से एक अन्य बदमाश जालिम सिंह के साथ पकड़ा गया है। दोनों आरोपी हत्या, लूट, डकैती जैसे दर्जनों संगीत मुकदमों के वांछित अपराधी हैं। आरोपी बहादुर सिंह ढाई साल पहले पुलिसकर्मियों के SLR छीनकर फरार हो गया था। पहले ये पुलिस का जवान था और 6 साल तक पुलिस की नौकरी करने के दौरान ही उसने राजसमंद में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बाद में करोड़ों रुपए की डकैती, हत्या और लूट की 40 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। 10 साल की सजा का आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसओजी के एडिशनल SP करण शर्मा के मुताबिक एक बार तो इस बदमाश ने पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। आरोपी के कब्जे से फिलहाल हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। SOG ने आज एक चूरू और बीकानेर में आतंक का पर्याय बने हुए बहादुर सिंह और पहलवान, जिसके ऊपर महानिदेशक पुलिस द्वारा भी 25,000 का इनाम घोषित है, उसको गिरफ्तार किया है। बहादुर सिंह फरार, पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था 2014 में और पुलिस की दो SLR को भी लेकर उस वक्त फरार हुआ था। उसके बाद से इसने एक हत्या को अंजाम दिया, इसके अलावा 2-3 हत्या के प्रयास 307 के मुकदमे भी इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। इसके अलावा चित्तौड़ में भी 1-2 करोड़ की डकैती, बैंक डकैती की थी, वो इसके खिलाफ हुई, और एक टोल प्लाजा पे भी इसने लूट की थी कुचामन में, वो भी इसके खिलाफ दर्ज है। इस तरह करीब 40 के करीब इसके खिलाफ मुकदमे अभी तक दर्ज हैं। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100।